अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान पाइंदवा। अस्सलाम वालेकुम, तां सबनी के योम आज़ादी मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद। आई विश यू ऑल 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जैसे अंदेशे जवाल ना हो, जहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, किसी ख़जां को गुजरने की भी मजाल ना हो। मेरी नेक तमन्नाएं अपने तमाम दोस्तों के साथ हैं, अपने तमाम आवाम के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त का दिन अल्लाह ताला का हमें लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि ये आज़ादी का दिन है और हमें आज़ादी मिली अपने अहकाम, अल्लाह ताला के अहकाम अदा करने के लिए, अपने मुल्क के अंदर उनका निज़ाम कायम करने के लिए। इस पर मुसरत मौके पर 14 अगस्त हमारा योम आज़ादी, जो कि इस दफ़ा पाकिस्तान का 74th योम आज़ादी है, मैं डॉक्टर सैयद इश्तियाक रसूल सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तानियों के लिए मेरा बच्चों के लिए पैगाम है कि मेरे कारवा हम थे, रूह कारवा तुम हो, हम तो सिर्फ उनवा थे, असल दास्तान तुम हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रुबीना है और 14 अगस्त के हवाले से मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ, फ़ज़ाइया रुतफ़ फैमिली की तरफ से और फ़ज़ाइया हॉस्पिटल की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम, 14 अगस्त की आमद आमद है, खुश रहिए, अपने घर को सजाइए, अपने मुल्क को सजाइए, पौधे लगाइए। फ़ज़ाइया रुतफ़ मेडिकल कॉलेज और उनकी फैकल्टी की तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ वेरी गुड इंडिपेंडेंस डे।